वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा ये है, मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी ए और पी बी वृत्त के बाहर, एक बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं और ए और बी वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। यदि कोण ए पी बी बराबर 50 है तो कोण ओ ए बी निम्न में से किसके बराबर होगा? इंग्लिश में यह है, लेट ओ बी अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एंड ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल इन ट्राइंगल ए पी बी 50 डिग्री, देन द एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट अधिकतर हमेशा लोग गलत कर देते हैं इसको। ये मत करिए गलती, ये एक ट्रायंगल है, ये हमारा सेंटर है, एक पॉइंट है यहाँ पे P, यहाँ से एक पॉइंट A है, यहाँ से थोड़ा इधर बनाते हैं समझने में आसानी होगा, ये B है, दूसरा ये B है, ये A ये B, तो यहाँ से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, या स्पर्श रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये दोनों लाइन यहाँ से जोड़े गए हैं और बता दिया गया है कि हमें ये 50 डिग्री है, हमें निकालना क्या है ओ ए बी, मतलब इस लाइन को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ सिखा दूँ कि ये दोनों एंगल का जो मान होता है ऐड करके 180 होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो जब भी कोई रेडियस या त्रिज्या टेंजेंट या स्पर्श रेखा पे ऐसे बनती है, ये लाइन जो बन रही है रेडियस और टेंजेंट की, या त्रिज्या और स्पर्श रेखा की, इसके बीच के जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या चतुर्भुज बन रहा है, तो इन चारों का मान होता 360 कोणों का, तो ये 90 180 हो गया, तो 360 में से 180 ख़त्म, तो इन दोनों का मान कितना हो गया ऐड करके 180, तो अगर ये 50 है तो ये हो गया 130, ठीक है। अब आते हैं इस छोटे से ट्राइंगल में हम लोग, तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रेडियस है या त्रिज्या है, तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये 130 था तो इन दोनों का योग कितना आएगा 50, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों का मान कितना होता है 180, तो इसे एंगल 1 पकड़ लेते हैं, इसे एंगल 2 पकड़ लेते हैं, तो 130 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, दोनों का मान x पकड़ते हैं तो ये 2x हो गया, ये हो गया आपका 50, इधर घट जाएगा तो x पर और कितना हो गया 50/2 मतलब 25। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम से हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन देंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।